दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। नमक के डब्बे में 5 रुपए का सिक्का रख दें, इस जगह घर का हर आदमी करोड़ों कमाने लगेगा। किसी भी दिन 5 रुपए का सिक्का नमक में डालकर यहां रख दें, रातों रात पैसे की बारिश होगी। आप भी अगर धन की कमी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या फिर बार बार आपके बिजनेस में घाटा होता है, आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो, तो ऐसे में 5 रुपए का सिक्का आपको धनवान बना सकता है, आपके घर में रातों रात पैसों की बारिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर औरतें किसी भी दिन चुपके से 5 रुपए का सिक्का नमक में डालकर यहाँ रख देंगी तो रातों रात पैसे की बारिश होने लगेगी। तो आप भी संकोच मत करिए, अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से मालामाल बनना चाहते हैं, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, अपने घर को राहु केतु के दोष से बचाना चाहते हैं, तो नमक से किया जाने वाला ये उपाय जरूर करें। 5 रुपए का सिक्का नमक में डालकर कहाँ रखना है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली, जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ नमक का उपाय करके अपने घर का वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं, क्योंकि नमक वास्तु शास्त्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। नमक की मदद से आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक करने के साथ ही साथ घर में मौजूद निगेटिव एनर्जी और बैक्टीरिया को भी बाहर भगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर में नमक को सही जगह पर सही तरीके से रखें और इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी राहु और केतु का अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन महिलाओं के घर में नमक हमेशा कांच के बर्तन में रखा जाता है, ऐसे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती या घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली के उपकरण खराब नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों का राहु और केतु दोनों मजबूत होते हैं और यह अशुभ प्रभाव नहीं दिखाते। इसलिए आप कभी भी नमक को प्लास्टिक का या स्टील के बर्तन में ना रखें। कांच के बर्तन में रखने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसके अलावा आपके घर में अगर पैसों की तंगी चल रही है, आप अपनी कंगाली से परेशान हैं, आप धन कमाना चाहते हैं लेकिन कोई जरिया नहीं मिल पाता, धन तो आता है लेकिन वह रुकने की बजाय खर्च हो जाता है आपके घर से, बचत और बरकत दोनों पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो केवल 5 रुपए का सिक्का आपके इन सभी परेशानियों से निजात दिला सकता है। चलिए जान लेते हैं कि नमक में 5 रुपए का सिक्का डालकर कहाँ रखने से आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आप अपने घर का कल्याण करने के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आप कांच के कटोरी के अंदर समुद्री नमक भर लें। इस नमक में आप 5 रुपए का सिक्का डाल दें और अपने घर के किचन में उत्तरी पूर्व कोने में यानी कि ईशान कोण में रख दीजिए। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। नमक से भरी कटोरी लें आप, तब तक किचन में उसी कोने पर रख दें ईशान कोण पर जब तक वह नमक गीला ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी यह नमक गीला हो जाए तो आप इस नमक को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और फिर दोबारा यानी कि इस कटोरी को साफ करके इसमें नमक भरकर इसको उसी जगह पर रख दें, यानी उत्तर दिशा पर रख दें, उत्तर और पूर्व के कोने पर। नमक बदलने का काम आप शनिवार के दिन करें। भूलकर भी आप नमक का ये उपाय गुरुवार के दिन ना करें, वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को छोड़कर यानी कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम समुद्री नमक का पोंछा जरूर लगवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है। अगर आपके घर में बाथरूम है तो कांच के कटोरी यानी कांच में भी आप नमक भरकर रख सकते हैं, तो इससे भी आपके आसपास की जो निगेटिव एनर्जी है तुरंत घर से बाहर चली जाएगी। ध्यान रहे आपको कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में या कटोरी में नमक भरकर नहीं रखते, क्योंकि यह आपके बदकिस्मत का कारण बन सकता है। आप हमेशा अपने किचन में अथरूम में कांच के बर्तन में ही नमक रखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमक का यह उपाय करने के अलावा दोस्तों माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि होगी। आप चाहें तो नमक का अगर आपके घर में डिब्बा है
तो उसमें आप 5 रुपये का सिक्का रखकर आप जो अगले कोण है यानी कि पूर्व और दक्षिण का कोना है इस जगह पर रख दिया करें नमक का डब्बा। नमक का डब्बा यानी आपके घर में होगा तो इसे हमेशा भर कर रखें और इसमें 5 रुपये का सिक्का जरूर डाल दें और इसे अगले कोण में हमेशा भर कर रखें। तो कहते हैं धन तेजी से आता है क्योंकि ये शुक्र ग्रह का दिशा होता है अग्नेय कोण, तो सुख समृद्धि के कारक शुक्रदेव की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। अगर आपका किचन अग्नेय कोण में है तो आप इसे एकदम कोने पर रखें इस नमक के डब्बे को 5 रुपये भर कर। दोस्तों ऐसा करने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास तरीके से बनाया है हमने आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।